हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे एपिसोड 3 में। भूल गया था क्या? हाँ, मैं भूल गया था। एपिसोड 1 को आपने बहुत प्यार दिया, एपिसोड 2 को उससे भी ज़्यादा प्यार दिया, और थर्ड एपिसोड को शूट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि हम लोगों को इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ कमेंट्स तो इतने अच्छे हैं ना कि जिनको पढ़ के ना हम लोगों को इतनी मोटिवेशन मिलती है कि भाई कुछ तो है हमारी कहानी में। बट कुछ कमेंट्स पढ़ के ऐसा लग रहा था कि यार हमने क्या गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया अपनी लव स्टोरी। कह रही थी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने को पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं मतलब डोंट रिएक्ट टू नेगेटिव कमेंट्स। नहीं नहीं, मैं रिएक्ट नहीं करता। मैं इनफैक्ट उन लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज द मेन रीजन कि आप हमें ऐसा कमेंट कर रहे हो। और सही में बता रहा हूँ, बहुत से मैंने कमेंट्स को रिवर्ट बैक किया उन्हें पर्सनल DM करके, और उसके बाद उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई हम लोगों ने ना ऐसी फालतू में लिख दिया, सो सॉरी सीरियसली। तो भाई इससे अपने को तो यही सीखने को मिलता है कि आप आधी अधूरी कहानी सुन के ना कमेंट करें, आप पूरा व्लॉग देखें जाके, तब आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल वो है क्या, हो क्या रहा है। हम लोग जो हमारा ये व्लॉग है ना, इसकी छोटी छोटी क्लिप्स काट के इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, सो दैट हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी कहानी पहुँचे, क्योंकि दिल जले बहुत है भाई। मतलब बहुत बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सुनने की वो ही नहीं रखते कि यार रहन दे यार भाई, हमें मत सुना ये स्टोरी, हम तो धोखा खाए हुए हैं, मेरी वाली छोड़ के चलेगी, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, क्यों क्यों लगे वो बोलने, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। चलो जी स्टार्ट करते हैं एक हेल्दी नोट पे। हमारी स्टोरी ब्रेकअप तक आप लोगों ने देख ली कि हमने कैसे वो टाइम गुजारा, ब्रेकअप वाला जो हमारा फेज था उसको हमने एक हेल्दी नोट पे एंड किया बाय पैचअप। हम लोगों का पैचअप हुआ दोबारा से, और हम तत्ता पानी जाके हमने डिस्कशन की एंड वी केम टू अ कंक्लूजन के भाई अब तो करना ही पड़ेगा कुछ, ऐसे मतलब हो नहीं रही बात। अब जो हमारा थर्ड एपिसोड है उसमें हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस किया फॉर आवर मैरिज। एक्चुअली इट टुक अस ऑलमोस्ट 1 ईयर। हमने शायद जनवरी में वापस वी केम बैक टुगेदर, फिर उसके बाद हमने जब ये सोचा कि लेट्स गेट मैरिड नाउ, जो भी होगा लेट्स सी, क्यों नहीं मानेंगे, तो हमें पूरा 1 साल लगा, बिकॉज हमारी इंगेजमेंट एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर जनवरी 2017 में हुई, 6th of January 2017। तो पूरा 1 साल लगा पेरेंट्स को कन्विंस करने में, फैमिलीज़ को, मतलब उस एंगेजमेंट तक लाने के लिए। इट वॉज वेरी वेरी टफ, याद है तुम्हें? मेरी फैमिली में एज सच ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मम्मा हमेशा मतलब सपोर्ट में ही थे मेरे। इनफैक्ट वो तो ब्रेकअप के टाइम पे भी मतलब अपने रिलेटिव्स को मतलब स्ट्रेट अवे मना ही कर देते थे कि नहीं भाई मुकुल से बात कर लो, मैं बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाऊंगी। और कहीं ना कहीं उनको ये था कि भाई ये जो भी करेगा सही करेगा, गलत रास्ते पे नहीं जाएगा कभी भी, ना ये लड़की को बदनाम करेगा, ना ये उसके लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स रखेगा, ना नेगेटिव किसी को बोलेगा कभी भी। बट हाँ, वो हमेशा यही बोलते थे कि भाई देख तेरी भी लाइफ है, उपासना की भी लाइफ है, अगर तो तुम दोनों ने शादी करनी है तो तू डायरेक्टली बात कर ले, या मुझे बता मैं बात करती हूँ, ला मुझे उपासना के पापा का या मम्मा का नंबर दे, मैं डायरेक्टली बात करती हूँ। बट उस पॉइंट पे मैं मम्मा को हमेशा मना कर देता था कि नहीं, आपने किसी को कॉल नहीं करना, कुछ नहीं करना, जब तक लड़की ही राज़ी नहीं हो रही तब तक मॉम डैड को फ़ोन करके कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उनको फालतू में तुम्हें स्ट्रेस देना, क्योंकि मुझे इसकी तरफ की स्टोरी का पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। ये वो वाला फेज़ है जब हम ब्रेकअप के टाइम पे थे। बट जिस दिन मैं उपासना से मिलके वापस चंडीगढ़ गया हूँ, जब हमारा पैचअप हो गया था, उसके बाद जब मम्मा को मैंने ये न्यूज़ दी कि भाई नाउ शी इज़ रेडी कि हम लोग अब शादी कर लेते हैं, क्योंकि अब वो डिसीजन हम लोगों ने बना लिया है, वी हैव मेड अप आवर माइंड, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया था, हम जब साथ थे फिर हम अलग हुए,
हमने सब कुछ देख लिया था, हमें लगा कि देयर इज नो वे आउट, हम लोगों को या तो शादी करनी है या तो हम ऐसे ही रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे रह लेंगे, अलग अलग रह लेंगे, बट लाइफ में कोई और नहीं आएगा, हाँ कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई चांस ही नहीं था, जब मन अलाउ ही नहीं कर रहा आपको, आप कैसे किसी को, मतलब सिर्फ जस्ट बिकॉज आपको शादी करनी है तो आप किसी से भी कर लो, आई डोंट थिंक दैट्स राइट. तो हम दोनों ने डिसाइड किया वी विल गेट मैरिड. एंड मुकुल की तरफ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब बहुत सपोर्टिव थे, बिकॉज मम्मा सिंगल पेरेंट थे, मुकुल के मम्मा मेरी मदर इन लॉ, तो उनको ये था कि बस जो भी हो अच्छे से हो, कोई कुछ बाद में कोई क्वेश्चन ना करे किसी चीज़ को, उनको बस यही था, है ना. हाँ, जिस टाइम डैड की डेथ हुई थी उस टाइम शी वॉज ऑल्सो यंग, और मेरे जो नानके साइड की फैमिली है उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कि मॉम के दिमाग में हमेशा ऐसा ही रहा कि भाई तुम कुछ भी करो बस इज्जत रख लेना, कुछ गलत मत करना, सिंपल फंडा, गलत मत करना, सपोर्ट के लिए मैं खड़ी हूँ. मेरी मॉम वॉज लाइक फ्रेंड टू अस, विपुल को और मुझे, मतलब ऐसे थे वो दोस्त की तरह, मस्ती मारते थे हम लोग बहुत, शी ऑलवेज सपोर्टेड अस, स्पेशली एडवाइस, बहुत अच्छी एडवाइस देते थे, कुछ भी उन चाहिए. हाँ, उन्होंने हो सकता है बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस, उन्होंने बहुत छोटी सी लाइफ में ना बहुत कुछ देख लिया था, क्रिटिसिज्म भी देखा. एक सिंगल लेडी के लिए बहुत मुश्किल होता है लड़कों को ग्रो करना, वो भी एट द एज ऑफ 21. हाँ, 2021 में मेरे डैड की डेथ हो गई थी, जब मेरे मॉम 2021 में थे. तो अब उनके दिमाग में ऐसा था कि भाई तू बता मैं बात करती हूँ, क्योंकि माँ के लिए तो उनके बच्चे सबसे प्यारे. हाँ, होते वो कहते थे कि मैं बात करती हूँ, अगर उपासना को भी ऐसा लग रहा है उससे नहीं हो रहा तो मैं डायरेक्टली बात करती हूँ, मैं रिश्ता लेकर आती हूँ. हाँ, देखते हैं कि क्यों नहीं मानेंगे. बट मेरी साइड की स्टोरी तो सिर्फ मुझे ही पता थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो ऐसे डायरेक्टली आ जाए और फिर घर पे ऑफेंड हो कोई. हाँ, भी हाँ. या फिर उनको बुरा लगे कि कैसे हैं, मतलब मैं चाहती थी कि पहले मेरी साइड, मेरे तरफ के जो सब मेरी फैमिली रिलेटिव्स जो भी है, इट इज़ नॉट कि आपको रिलेटिव्स तक सबको मनाना होता है, बट जो आपके सर्कल में होते हैं ना, आपकी बुआएं, मासियां, चाचे, ताए, जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, मेरी जॉइंट फैमिली है, आई हैव अ वेरी बिग जॉइंट फैमिली. मतलब अगर हम लोग बाहर से भी किसी को नहीं बुलाते हैं तो हम आपस में ही 30 लोग ऐसे ही हो जाते हैं, ज़्यादा ही हो जाते हैं अभी तक. अभी हाँ, हम यहाँ पे शूट करने भी इसीलिए आए हैं बिकॉज यहाँ पे मेरा घर है. आई एम बेसिकली फ्रॉम रोडू, जो हिमाचल प्रदेश में एक गाँव है, एंड हम वहीं बैठे हैं अभी. और हमारे बस लेफ्ट हैंड साइड को मेरा घर है, और हम इसीलिए यहाँ पे शूट करने आए हैं बिकॉज पूरी स्टोरी यहीं पे घूम रही है अब फॉर दैट वन ईयर. मुकुल की साइड तो सब माने हुए थे, इट वाज मेरी साइड की नहीं मान रहे थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था नहीं मानेंगे. बट हम लोगों का ना, हम लोगों की सोच गलत थी कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा थी. गलत एज इन वी वर एज्यूमिंग, वी वर एज्यूमिंग, बट अजम्पशन राइट भी थी. हाँ, बहुत हद तक राइट थी, बट हाँ कहीं कहीं कुछ चीज़ें थी गलत. जो अब आप एक्सट्रीम तक सोचते हो ना, ओवरथिंकिंग तो किसी भी लेवल की हो सकती है, वो तो आपको नहीं पता कि आप क्या कहाँ तक पहुँचेगी आपकी सोच, बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी थी. सो जिस दिन मैं मुकुल से मिली भी थी ना, मतलब हमारा जब शुरू हुआ था, दे वो पीपल, मतलब कजन्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जिन्होंने ऐसे बोला था कि तू पागल हो गई है, क्या कर रही है, तुझे पता चल रहा है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ऐसी ऐसी चीज़ें. क्या इसमें इम्पॉसिबल क्या है, उस टाइम तो प्यार का बुखार होता है ना सबको, तो उस टाइम इट वॉज लाइक चल देख लेंगे देख लेंगे, ऐसे करके फ्रेंड्स को ऐसे बोले देख लेंगे, हाँ ठीक है ऐसे टाल दिया. एंड यू आर बिजी, आप बातें कर रहे हो वो कर रहे हो, आपको वो चीज़ें अच्छी लग रही है, बट जब रियलिटी हिट करती है ना, देन इट इज़ समथिंग एल्स. तो जब हमें था कि अब तो करनी है शादी, तो लेट्स स्टार्ट नाउ, कैसे करें, धीरे धीरे अप्रोच करना शुरू किया. पहले अपनी बहन को बताया कि वी आर बैक, वो कहती पागल हो गई है. फिर उसके बाद मुकुल ने बताया, फिर मुकुल ने मुझ पर प्रेशर डाला कि हमें घर पे बताना पड़ेगा डायरेक्टली, हम ये नहीं कर सकते कि चल ठीक है आज कल परसों करते करते टाइम निकल जाएगा, तुम्हें घर पे बताना पड़ेगा, है ना, तुम्हें याद है तत्ता पानी में तुमने ये चीज़ मेरे को बोली थी. तो ऐसे ठीक है, हमने कुंडलियाँ लानी शुरू कर दी, मुकुल अपनी कुंडली लाया, मैं अपनी कुंडली लाई, तो हमने कहा कि चलो ये मैच करवा देंगे, पहले खुद ही मैच करवा देते कि सही है या नहीं है. हम लोग ना
अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे फॉर दोस क्वेश्चंस जो शायद हमारे मॉम डैड पूछेंगे, हाँ, तो या कोई रिलेटिव पूछेगा, हाँ, कि कौन है भाई, कैसे है, बैकग्राउंड क्या है, कुंडलियां मिलवाई तुमने, मतलब वी वांट ourselves, पहले कुंडलियां मिलवाने को रेडी थे कि हम खुद ही मिलवा देंगे उसके बाद देखेंगे, हाँ, घर वालों को एटलीस्ट हम आंसर देने लायक होंगे कि बारिश हो रही है, बारिश शुरू हो गई है, व्हाट टू डू नाउ, चलो जितना होता उतना करते हैं फिर भागेंगे। हमने अपनी कुंडलियां लाई एंड बट हमने दिखाई नहीं, वो हमने अपने पास रखी कि चलो वी विल सी व्हाट टू डू। फिर हमने अपनी फैमिलीज को फिर मनाना शुरू किया, अपनी बहन से मैंने शुरू किया कि आई सेड दैट वी आर बैक टुगेदर, तो रोजी कहती तू पागल हो गई है, और उसने मेरी बात इग्नोर कर दी क्योंकि वो डर गई थी कि अब क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे, बिकॉज जो भी होता उसको तो इन्वॉल्व होना ही पड़ता उस सिचुएशन में। एंड रोजी फिर बिकॉज मेरी बहन मैरिड थी, तो मैंने जीजू को रोजी ने बोला, तो जीजू वाज लाइक कि मैं न्यूट्रल रहूँगा, मैं ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेरी तरफ रहूँगा, ना नेगेटिव तो मैं बोलूँगा ही नहीं, चुप रहूँगा, बट तेरे फेवर में भी इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज थोड़ी सिचुएशन वैसी होती है ना तो उनकी तरफ से वैसा था, सेफ प्ले करना चाहते थे, हाँ थोड़ा सा सेफ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नेगेटिव नहीं बोलोगे ना, इतना ही काफ़ी है। एंड फिर आई थिंक जब मुकुल ने मुझ पर प्रेशर डाला, मुकुल ने मुझे बोला कि अब बहुत टाइम हो गया, 4-5 महीने बीत चुके थे इस बात को कि हमने डिसाइड किया था, हमारा रिलेशनशिप तो अच्छे से चल रहा था, दैट टाइम आई वाज आल्सो वर्किंग एंड मुकुल भी एफिनिटी में था, है ना, एफिनिटी, तो हम दोनों ही जॉब्स भी कर रहे थे। एंड फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, और मुकुल की मम्मा ऐसे हो गए थे कि मुझे मिलना है, उपासना के पेरेंट्स से मिलना है मुझे। मुकुल ने एक दिन मुझे फ़ोन किया, बैकहेंड में मैं सब कुछ कर रही थी, लोगों की दिमाग में छोटी छोटी बातें डाल रही थी, जैसे मम्मा को थोड़ा थोड़ा बोल दिया इधर उधर थोड़ा थोड़ा करके कि थोड़ा सा ये रेडी हो जाए फॉर द थिंग कि हाँ कुछ होने वाला है, हिंट्स दे रहे, हाँ हिंट्स। देन मुकुल की मम्मा ने एक दिन मुकुल को बोला कि मुझे मिलना है उपासना के पेरेंट्स से, तो मुकुल ने मुझे बोला कि मम्मी को ना मम्मा कह रहे कि मिलना है पेरेंट्स से। मैंने कहा यार कैसे मिलना है, कैसे बोलूँ मैं, क्या मिलना है, मैं बोलूँगी क्या घर पे, मतलब बहुत ऑकवर्ड था मेरे लिए ये बोलना। तो ऐसे ठीक है लेट्स सी, मुकुल ने मुझ पे इतना प्रेशर डाला ना इस बात का, शायद ये नहीं डालता तो हमारी शादी सच्ची नहीं हो पाती। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, किसको मिलाऊँ, पापा को, नेवर नेवर नेवर, बिकॉज सी हमारे ना मतलब इट्स नॉट गैप नहीं है मेरे और पापा के उस कम्युनिकेशन में, बट सेंस ऑफ एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट होती है ना कि यार कैसे बताएं कि हमने इनके पीठ पीछे एक लव स्टोरी क्रिएट की है मतलब कैसे बताएं, तो वो चीज़ थी। तो ऐसे ठीक है कुछ करती हूँ, मैंने क्या किया उस चीज़ का, मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप सिर्फ मिल लो, क्योंकि मम्मी तो फ्रेंड्स की तरह होती है, तो मैंने मम्मी को बोला आप सिर्फ मिल लो मुकुल की मम्मा से, बाहर ही हम मिलेंगे, मतलब किसी रेस्टोरेंट में कहीं मिल लेंगे, वो शिमला आएंगे। मम्मी वॉज लाइक, मेरी मम्मा बहुत ही ज़्यादा मतलब कम बोलते हैं, बहुत क्या बोलते हैं, शाई नेचर के हैं, बहुत शरीफ है, मतलब उनको पता नहीं है इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। तो शी सेड मैं क्या बोलूँगी, मैं घर पे भी तो बताना पड़ेगा, पापा को भी तो बताना पड़ेगा मैं ऐसे ऐसे मिलने जा रही हूँ, मेरे को ज़रूरी थोड़े ना है बताना, आप बस चलो और मिल लो, बात ही तो करनी है। बट शी वॉज़ वेरी शाई, मुझे लगा मैं क्या करूँ, वो कन्विंस ही नहीं हो रहे थे, 2-3 दिन वो माने ही नहीं कि नहीं नहीं मैं कैसे जाऊँगी ये वो। तो मैंने मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ दिखी कि अब मुझे किसी घर पे ऐसे इंसान को मनाना पड़ेगा जो कन्विंस कर दे मम्मी को, तो मैंने बड़ी मम्मी को फ़ोन किया क्योंकि वही एक थे जो बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब उनको जो सही लगता है वो उसका हमेशा साथ देते हैं, वो बहुत आउटस्पोकन है, तो मुझे लगा कि यही कुछ कर सकते हैं। मैंने बड़ी मम्मा को फ़ोन किया, बाय दैट टाइम मेरी बड़ी मम्मा लेक्चर थे तब, बड़ी मम्मा इज़ ताई जी, हाँ ताई जी, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला कि मेरी और बड़ी मम्मा की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो इसलिए मेरे को लगा वो समझेंगे, और उनको मुकुल की स्टोरी पता भी थी, बट उनको लगता था हमारा ब्रेकअप चल रहा है, अब पैचअप हो चुका था। मैंने उनको बोला कि बड़ी मम्मा ऐसे ऐसे मेरा और मुकुल का ऐसे पैचअप हो गया, शी वो शॉक्ड, हे भगवान, अच्छा। फिर
मुझे, मैंने कहा मुझे ना आप आ सकते हो शिमला, वो यहाँ पे पोस्टेड थे रोडू में, एक गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे, तो वो कहते कि मैं आ जाऊँगी, तू बोल मैं सुबह ही आ जाती हूँ। मैंने कहा कि आप मम्मी को मना सकते हो कि वो चले मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके कॉलेज होंगे आप रहने दो। तो कहते कि हाँ तो क्या है, वो क्यों नहीं जा रही, मैं फ़ोन करती हूँ, पता नहीं बड़ी मम्मी ने फ़ोन करके क्या घुट्टी पिलाई मम्मी को, कुछ बोला उन्होंने एंड मम्मी रेडी हो गए 5 मिनट्स में कि हाँ ठीक है मैं चलूंगी तेरे साथ। वो बड़ी मम्मा ने क्या बोला था आपने? बड़ी मम्मी को पता है क्या बोला होगा, क्योंकि मम्मी 3 दिन से नहीं मान रहे थे और बड़ी मम्मी के 5 मिनट फोन करने से वो मान गए। मैं पहले ही ये कर लेती हूँ, बड़ी मम्मी को बोला, बड़ी मम्मी कहती अगर नहीं, अगर तेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रहा कि मम्मी पता नहीं कैसे क्या बात करेंगे तो मैं आ जाती हूँ। मैंने बोला कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी मिल लेंगे, आप बिजी होंगे अपने कामों में, आप रहने दो, थैंक यू सो मच। अगर उस टाइम बड़ी मम्मी नहीं कन्विंस करती ना मम्मी को तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता, बट शी वॉज़ हैप्पी। उनको आई थिंक कहीं ना कहीं बड़ी मम्मी को लगता है कि मैं अपने लिए सही डिसीजन ही लूँगी, इसीलिए वो मेरे साथ थे। उन्होंने कभी नहीं इंक्वायर किया कि कौन है, क्या करता है, कैसे करता है, क्यों, कौन सी फैमिली, उन्होंने ये कभी नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ ठीक है तेरी चॉइस है सो इट विल बी गुड। तो मैं वो मान गए, मम्मा को हम ले गए। अगले दिन मुकुल आया, मम्मा आए, मुकुल के मम्मा, मेरे मम्मा, और हम बडीज़ में मिले। मतलब बडीज़ उस टाइम ना वैसा नहीं होता था जैसे अभी, बहुत ही वहाँ पे हर कोई, सबको पता है जो भी शिमला में रहता है बडी, उस टाइम वहाँ पे सिर्फ वेज मैगी मिलती थी और वेज सैंडविचेस, कॉफ़ी वगैरह ये मिलते थे, पकौड़े मिलते थे, बहुत कम लोग आते थे। हमने वो रेस्टोरेंट इसलिए चूज़ किया कि यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं, क्राउड सिर्फ कॉलेज का आता है, जैसे बीड्स के बच्चे आते थे, यंगस्टर्स, ऐसे बड़े वो नहीं आते थे। तो वी थॉट यहाँ मिलते हैं हम, वहाँ बाहर टेरेस पे बैठे, मम्मी आए, एक तो ये डर लगा हुआ था मुझे, मुकुल की मम्मी से पहली बार मिल रही हूँ, उनसे मैं मिली हुई नहीं थी पहले, और ऊपर से ये कि मैं अपनी मम्मी को पहली बार मिला रही हूँ, क्योंकि मम्मी से क्या बोलेंगे ये, क्या बात करेंगे। तो हम वहाँ मिले एंड वो दोनों तो बहुत अच्छे से गप्पे मार रहे थे, हमने उनको छोड़ दिया टेरेस पे और हम चले गए वॉक करने सामने आगे तक फॉरेस्ट रोड में। हमारे साथ कुकी था, विपुल आया था, मुकुल और मेरी तरफ से मैं और मम्मी, बस दैट्स इट। एंड हम गए, हमने उन दोनों को छोड़ दिया कि हाँ ठीक है बातें करो ये वो, सब कुछ हुआ, हमने लंच किया, मम्मी को घर ड्रॉप किया और फिर हम अपने अपने रास्ते चले गए। मुकुल चंडीगढ़ चला गया। कुकी का नहीं पता आपको? कुकी मेरा कॉलेज फ्रेंड है, राहुल कुकशाल, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कुकी के नाम से बुलाते हैं। वो एक्चुअली हमारा बिचौलिया था। हाँ कुकी हमारा बिचौलिया था क्योंकि कुकी ने उपासना को गॉड सिस्टर बनाया हुआ था। हाँ। और मैं उसका कॉलेज फ्रेंड था तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी थी। हाँ। मतलब उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी हर हमारे ऐसे इवेंट में। हाँ। वो रहा ही है हमारी पहली बार मिलना। हाँ। मतलब हर चीज में वो रहा है, बहुत बहुत, मतलब एक अच्छा फ्रेंड जिसको बोलते है ना, रिलेशनशिप वाला, वो नाइस है भाई, लव टू हैव यू इन आवर लाइफ। हाँ, हम बहुत कम मिल पाते हैं बट जब भी मिलते हैं पर दिल से रिस्पेक्ट, अच्छा। दिल से रिस्पेक्ट। हाँ। है उसके लिए। तो ये हुआ, हम अपने अपने रास्ते चले गए एंड देन मैं घर आई, मैंने मम्मी को बोला कैसा लगा। मेरी मम्मा इतने इनोसेंट है ना, उनको किसी से भी मिला लो कुछ भी, उनको सब अच्छे लगते हैं। मेरे को पता था वही लेम सा आंसर मिलेगा कि बहुत अच्छा है, मम्मी से बात करके अच्छा लगा ये वो। कुछ और बोलो, उनको बस ये था कि नहीं अच्छा है। मैंने कहा तो अब क्या, कुछ नहीं। मम्मी का एक्सप्रेशन ऐसा था कि पापा को क्या बोले, वो हंसते हैं बहुत, स्माइल करते हैं, हमेशा स्माइली फेस रहता है, तो पापा को क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। मैंने कहा पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, वो तो मम्मी जाने। हाँ, तो ये सब हुआ, हमने मिला दिया एंड देन अब घर पे बात शुरू होगी कि धीरे धीरे मम्मी ने शायद पापा को बताया एंड पापा ने कहा कि कौन है क्या है। तो फिर मैंने कहा कि चलो, मैंने जीजू को बोला कि आप पापा के साथ, मतलब बात करते हैं जब, क्योंकि वो बड़े हैं दोनों घर पे, तो उनके कॉन्वर्सेशन कुछ डिफरेंट होती है कि कैसे ये। तो हमने उनको फाइनली मैंने कहा कि, तो सबको घर पे धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ एंड जिस चीज़ का डर था वही होना शुरू हो गया। सब अपनी अपनी राय लेकर आने लग गए। पता है, पेरेंट्स को कन्विंस करना मुश्किल नहीं था मेरे लिए
क्योंकि मेरे मम्मा पापा दोनों ही ऑलरेडी मतलब वो भरोसा करते हैं मुझ पे, मेरी बहन या मेरे भाई, मतलब उनको है कि जो भी डिसीजन लेंगे सही लेंगे। उनको कन्विंस करना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। मतलब ठीक है, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, मम्मा कन्विंस हो गए, पापा हो गए, भाई बहन तो थे ही, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना आसपास, मैं उनको कन्विंस तो नहीं करना चाहती थी, बट मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स को भी ना वो कुछ सुनाए, मतलब मेरे पेरेंट्स को मेरी वजह से कुछ सुनने को ना मिले। इसलिए मैं चाहती थी सब कुछ अच्छे से हो, सबके रजामंदी से ये रिलेशन आगे वो हो। अब बड़ी मम्मा भी मान गए थे, तो अब था कि बड़े पापा, दादू दादी ये सब, इनको कन्विंस करना आसान चीज़ नहीं थी। बट फिर जब बातें होने लगी कि अच्छा क्या करता है, कितना कमा लेता होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आए कि क्या है क्या उनके पास, ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिली कि मतलब जो सबसे बुरी चीज़ मुझे लगी थी कि कितना कमा लेता होगा वो महीने में, वो मुझे सबसे बहुत ही हर्टफुल चीज़ थी, मेरे को आज भी वो याद है। एंड इसी ज़िद में हमने हेडक्वार्टर्स भी खोला था कि कितना कमा लेता होगा, अब देख ही लेंगे कितना कमा लेते हैं। मुझे था कि मुझे मुकुल का पोटेंशियल पता था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो तब कितना कमाता था या क्या करता था, मुझे ये पता था कि हम दोनों मिलके विल डू वेरी गुड इन आर लाइफ। तो इस उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ही हमने हेडक्वार्टर खोला था, स्पेशली मैं, मेरा तो यही मोटिव था। हेडक्वार्टर्स आप लोगों को बता देता हूँ जी, जो लोग तो हम लोगों को जानते हैं पहचानते हैं, दे नोज वेरी वेल के हेडक्वार्टर्स क्या है। हेडक्वार्टर्स हमारा बच्चा है। हेडक्वार्टर्स को हम लोगों ने 2017 में ही ओपन किया था। वो एक क्या बोलो उसको, जिद थी, वो एक जिद थी वो ओपन करने की, टू शट डाउन सेवरल सेवरल पीपल्स माउथ, के क्योंकि हम सबको जवाब नहीं दे सकते थे कितना so कमा लेता है, कि हम जवाब ऐसे ही दे देते हैं। पर मैं somehow ना इस चीज को पॉजिटिविटी के रूप में भी लेता हूं। आई डोंट नो यार क्यों, मतलब पेरेंट्स बेचारे ना, मैं सच्ची बताऊं, मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे, वो जो चूज कर रहे हैं पार्टनर ठीक है वो उसके साथ खुश रहेंगे तो गुड, लेकिन सोसाइटी के डर से ना कि लोग क्या बोलेंगे आसपास, वो गलत हो, उस डर से ना वो उस चीज़ को आगे ही नहीं ले पाते हैं शायद। मेरे पेरेंट्स बहुत, आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल किया और दे वर रेडी कि ठीक है, है ना। हाँ, हेडक्वार्टर्स मैं बता देता हूँ आपको कि हेडक्वार्टर्स क्या है। हेडक्वार्टर्स एक हेयर एंड ब्यूटी स्टूडियो है जो कि संजौली में है, गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल सामने। इनिशियल स्टेज पे बहुत छोटा था, बट जो हम लोगों ने आज से 5-6 साल पहले विजन रखा था उस सलोन के लिए, उस स्टूडियो के लिए, समहाउ 50-60% हम उस जर्नी हमने सिर्फ 3 चेयर से शुरू किया था वो। एंड आई थिंक जो लोग जानते हैं हमें वो जानते होंगे हमने कितने छोटे से वो शुरू किया और हम एक आज हम कहां किसी छोटे से लेवल पे तो हम पहुंच गए हैं कि हमारे पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं कि दे आर डूइंग समथिंग। एंड तो ये था उस चीज़ का आंसर। एंड लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बोलनी शुरू की कि वो तो ऐसी फैमिली से हैं, जबकि वो जानते ही नहीं, मुकुल कभी हिमाचल आया ही नहीं। ये हिमाचल अगर आया भी, शिमला अगर आया भी, तो सिर्फ मेरी वजह से है ना, अदरवाइज़ तुम्हारा क्या काम था शिमला में। और लोग ऐसी ऐसी बातें बनाने लग गए कि अच्छा, लोग ऐसी बातें बनाने लग गए जो इसको जानते भी नहीं थे, वो भी ये बोलने लग गए कि वो तो लड़का ठीक नहीं है, वही मिला था रिश्ता करने के लिए, वो तो फैमिली ऐसी है। मैं हैरान हो गई, जिसको ये जानते नहीं उसके बारे में इतनी चीज़ें क्यों बोल रहे हैं। आई केप्ट शट कि कोई बात नहीं, बोलने दो बोलने दो। एंड फिर फाइनली मैंने पापा को बोला, जीजू को बोला कि यार आप एक बार ना पापा को लेके चंडीगढ़ जाओ और देखो मुकुल कहाँ रहता है, बाद में ये ना हो कि वो जाए और फिर उनको लगे कि ओ हमने ठीक नहीं किया रिश्ता। मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस पे ऑब्वियसली मुझे पता था कि वो चीज़ नहीं होगी जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अपनी डॉटर के लिए, वैसा नहीं होगा। बट ठीक है, उनको देखना ज़रूरी है कि मैं कहाँ रहने वाली हूँ, कि मुकुल का घर कैसा है, उसकी मॉम कैसी है या उसके भाई कैसा है, सब कुछ देखना। तो मम्मा पापा और जीजू एक दिन मिलने गए थे घर पर, है ना, घर पर मिलने गए थे। एंड दैट टाइम मुकुल मम्मा को गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिली थी और पंचकुला
सेक्टर 14 में रहते थे. वो इट वाज अ गवर्नमेंट अकोमोडेशन. मम्मा का ऑफिस पास में ही था. मम्मा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब करते थे एंड वहाँ पे मिलने गए थे. इट वाज जस्ट एन अपार्टमेंट ऑफ टू रूम्स. सिर्फ दो कमरे थे उसमें. एक हाँ दो वॉशरूम थे उसमें और एक किचन था. दैट्स इट. तो मुझे था कि आप जाके देख लो. एंड मुझे पता था कि मुकुल बैकग्राउंड से बहुत स्ट्रांग नहीं है बिकॉज बहुत ही छोटी एज में मुकुल के पापा की डेथ हो गई थी. मम्मा ने अकेले इनको रेस किया. तो मुझे आई वॉज़ अवेयर ऑफ दैट. बट मैं चाहती थी मेरे पेरेंट्स भी अवेयर हो. एंड मुझे पता है मेरे पेरेंट्स को पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको पता है दे रेज्ड अ स्ट्रांग गर्ल. वो खुद कर लेगी अपने लिए जो भी है. बट फिर भी ज़रूरी था कि वो जाए और एक बार देख लें कि क्या है कैसे है. हाँ, मतलब ग्राउंड रियलिटी होनी चाहिए ना, बिल्कुल. हाँ, चेक. ये ना हो कि उनको चीटेड फील हो बाद हाँ, में कि पहले नहीं बताया. लड़के ने मुझे इसने छुपाया और ये वो सब. तो मैंने वो उनको भी था, क्रिस्टल क्लियर था. हाँ, हम कुछ भी नहीं छुपाना चाहते थे. नथिंग ये कि प्लॉटिंग हो रखी है या मुझे बहुत ही ज्यादा. और इनफैक्ट आप लोगों को ये सुन के भी मतलब हैरानगी होगी कि उपासना की फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे एंगेजमेंट से कुछ 3 महीने पहले पता चला था. हाँ, मैंने कभी मुकुल को बताया नहीं. मुझे नहीं पता, मतलब मुझे खुद को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं मेरा बैकग्राउंड ऐसा है बिकॉज मैंने बहुत नॉर्मल मतलब ठीक है ना. आप तुम्हारे लिए वो नॉर्मल था ना, बट हाँ. मेरे लिए बीइंग मिडिल क्लास वाला इंसान, तो मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ. हाँ, मतलब पर हमारे बट हाँ बहुत कुछ है. छोड़ो, लीव इट, आगे चलते हैं. एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है हाँ वो स्ट्रांग है मुकुल के कंपैरिजन में. तो वो थोड़ा, मुकुल को मैंने कभी बताया नहीं था कि ऐसा कुछ है. बस मुझे पता था कि ऐसा कुछ है. तो पापा वगैरह गए, उन्होंने देखा, वो वापस आए. मैं तो पूरा दिन उस दिन नर्वस बैठी थी कि पता नहीं क्या होगा यार, पापा वहाँ जाके कैसे रिएक्ट करेगी. मैंने खुद नहीं मुकुल का घर देखा है ना, तब तक मैं थोड़े ना आई थी तुम्हारे घर, कभी नहीं आई थी. बट मुझे पता था कि कैसा है क्योंकि मुकुल ने मुझसे कभी नहीं छुपाया कुछ भी. तो मेरे को पता था एंड मेरे को था कि ठीक है देखने दो, विल सी क्या होगा. एंड वो लोग मुझे ना, वो जो पूरा टाइम है ना एक साल का, मुझे ऐसा फील होता था मैं हिप्नोटाइज्ड हूँ कि कुछ तो मेरे को ऐसा हुआ है ना कि बस चल रहा है कि वी जस्ट हैव टू रीच देयर, कि हमें बस उस पॉइंट तक पहुँचना है हमारी एंगेजमेंट हो जाए. एंड वो फिर फाइनली पापा वगैरह वापस आए. मैंने पूछा ही नहीं कि कैसा लगा क्या लगा, मैंने बात ही नहीं की. मैंने अगले दिन सुबह उठ के फिर मम्मी से बात की कि अच्छा कैसा लगा. पापा को बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके मम्मी से मिलके, मुकुल की मम्मी से मिलके, मुकुल से मिलके, विपुल से मिलके. ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छे लोग हैं. उनका फर्स्ट उनका वो मतलब उनके फेस पर वो खुशी दिख गई थी मुझे कि ही इज़ कन्विंस्ड, वो खुश है कि बहुत अच्छी फैमिली है. बट उनके लिए भी बहुत टफ था आई नो, क्योंकि उनके ऊपर भी लोग थे जिनको उन्हें कन्विंस करना था. तो फिर पापा वगैरह कन्विंस थे, वो रोडू आ गए वापस. आई वॉज इन शिमला एंड अब उन पे थी चीज़ कि कैसे करना है. नाउ मम्मी और बड़ी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया पूरे प्रोसेस में. पापा ने दादू को मुझे नहीं पता बताया या नहीं बताया क्योंकि दादू की एज काफ़ी हो गई थी तब तक एंड वो इन चीज़ों को वैसे समझते नहीं थे उस तरीके से. तो आई थिंक बड़े पापा ही थे जो घर पे बड़े थे. बुआ थी मेरी, मेरी 3 बुआएं हैं, वो तीनों थी. तो सबको बताना ज़रूरी था एंड सब थे कि अच्छा ठीक है अच्छे से देख लो क्या फैमिली है कैसे है क्या है. सब लोगों को बता के बहुत ठीक है हो गया, सब कन्विंस हो गए. और हमने कुंडलियाँ मिला दी. कुंडलियाँ हमने इसलिए मिलाई बिकॉज बीच में ऐसी भी चीज़ें होने लगी कि मुकुल के लोग ये बात करने लगे. हमने कुंडलियाँ भी मिलाई एंड देन हमने कुंडलियाँ मिला के हमारे गुण वगैरह सब कुछ एवरीथिंग वाज ओके. तो मान गए फाइनली ठीक है एंड हम लोगों का एंगेजमेंट डेट निकल गई 6th of January. जैसे डेट निकली सबको पता चला. अब तो सबको ही पता चल गया कि हाँ एंगेजमेंट हो रही है. तो और शोर मच गया. मुकुल वगैरह रोडू पहुँचे एंगेजमेंट वाले दिन. जब ये लोग रोडू पहुँच आई थिंक पहुँच चुके थे ये लोग, बट मेरे घर में बाय दैट टाइम बहुत कुछ चल रहा था. पहले तुम अपना बता दो कि उधर क्या हो रहा था.
नहीं, हमारी तरफ तो सब कुछ नॉर्मल था। हमारे मामा जी ने हमें ज्वाइन किया आने के लिए यहाँ पे। कन्वर है, कन्वर पाल गुज्जर कोरू जिसको हम प्यार से बुलाते हैं, विपुल का फ्रेंड, वो भी हमारी एक तरह से फैमिली ही है। हमारे साथ ही उठता है, बैठता है, सोता है, खाता है, पीता है। और वो भाई साहब जी भी आए, हमें ज्वाइन किया उन्होंने। और ज्योति मासी और मास्टर जी आए थे राजस्थान से स्पेशली। इनविटेशन तो हम लोगों ने सबको दिया था, मगर एवरीबॉडी वाज ऑक्यूपाइड और सबको बहुत दूर से आना था। कोई यहाँ, कोई वहाँ, सब दूर रहते हैं। बट जिनका फिजिबल था आना वो आए। और हम शहरी आया था मेरा फ्रेंड जो कि इस टाइम कनाडा बैठा है, वो मेरी शादी में भी नहीं आ पाया क्योंकि जिस दिन हमारी वेडिंग थी उससे 3 दिन पहले ही उसकी फ्लाइट थी कनाडा के लिए। तो वो भी आया था हमारे साथ। मतलब इट वाज अ लवली फीलिंग। मेरे को तो ऐसा था कि भाई कोई सपना सच हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि बस हमारी ना कहीं एंगेजमेंट हो जाए, फिर उसके बाद शादी हो जाए, बस ज़िंदगी से मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी बाद में देख लेंगे जो भी होगा। बस ये है कि अभी के लिए तो सिर्फ फोकस्ड यही है कि हमारी शादी हो जाए। हाँ, और हम लोग पहुँचे हैं, मुझे आज भी याद है, मतलब रास्ता वो चंडीगढ़ पंचकुला से लेके शिमला तक का, और फिर उसके बाद शिमला से लेके रोडू तक का जो रास्ता है वो कैसे ख़त्म हुआ हमें मुझे याद ही नहीं है। पहले तो इट वाज कि हम लोग शिमला में ही छोटी सी एंगेजमेंट कर देते हैं, कुकी भी था। हाँ, कि शिमला में ही कर लेते हैं। बट फिर उसके बाद किसी ने बोला, आई थिंक पापा ने बोला या पता नहीं किसने, कि दादू दादी शादी में नहीं आ पाएंगे बिकॉज दूर होगी शादी, एज काफी होगी। हाँ, वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो हम रोडू में ही एंगेजमेंट रखते हैं कि जो सारे फैमिली मेम्बर्स वहीं पर होंगे, दादू दादी होंगे, एवरीवन, तो उनको रोडू ही बुलाते हैं। एक बार वो भी देख लें कि हम लोग कौन हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ से हैं, वो लोग भी एक बार आके देख लें, क्योंकि मम्मी तो कभी नहीं आई थी घर पे देखने या कुछ भी करने। तो इट वॉज कि वो हमारा घर भी देख लेंगे, हमें भी देख लेंगे, हमारी जहाँ हम रहते हैं उस जगह को भी देख लेंगे। एंड फिर फाइनली ये लोग पहुँचे रोडू, और हमने इनको एक होटल में ठहराया जो हमारे घर से 15 मिनट्स दूर है। बिकॉज हमारे इधर जो इंगेजमेंट्स होती है, अब तो फिर भी थोड़ा ओपन हो गया है लोग, बट स्टिल अभी भी ऐसी इंगेजमेंट्स होती है दूल्हा जाता ही नहीं है इंगेजमेंट में, सिर्फ जो भी सामान होता है फैमिली में से भी लेडीज़ नहीं जाती है, सिर्फ जेंट्स होते हैं जो घर के, वो जाते हैं 4-5 लोग, वो शगन ले जाते हैं, रिंग ले जाते हैं, और वहाँ लड़की की तरफ एक सुहागन जो भी लेडी होती है वही रिंग पहनाती है। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि मेरे घर पे ऐसी एंगेजमेंट हो रही थी कि उस पर दूल्हा आ रहा था खुद ही, एंड दूल्हे की मम्मी भी आ रही थी एंड मतलब पूरी फैमिली आ रही थी। ये पहली बार ऐसा हो रहा था इनको, मुझे घर पे ये समझाना भी बहुत मुश्किल था कि ऐसे होंगी एंगेजमेंट, ऐसे होगी। तो दे वर लाइक ठीक है, बट फिर हम उनको घर पे तो नहीं ठहरा सकते बिकॉज मतलब वो कंफर्टेबल भी नहीं होंगे, उनके लिए नया नया होगा होटल में वो कंफर्टेबल रहेंगे, मेरे लिए भी इट वाज ओके, हाँ इनको होटल में रहने दो प्लीज़, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, अभी मत ना क्लोज आ जाओ कि पता नहीं क्या क्या और खबरें निकलें। तो हमने इनको होटल में 15 मिनट्स है यहाँ से, कौन सा होटल था मुकुल, वो गवर्नमेंट का था कोई यार, हाँ कोई था, रेस्ट हाउस, हाँ कुछ ऐसा था। उस टाइम यहाँ ज़्यादा होटल्स होते हाई कोर्ट के पास, हार्डली 2-3 होटल्स होते थे, दैट्स इट। तो ये लोग वहाँ ठहरे थे एंड वहाँ पे मामू जो बुआ के हस्बैंड हैं दिव्यू के पापा, वो सारा अरेंजमेंट वो देख रहे थे कि कंफर्टेबल रहे। हाँ, और पंकज एंड जीजू, तो वो लोग देख रहे थे कि दे आर कंफर्टेबल, उनको सब कुछ ठीक से वो हो रहा है। एंड घर पे बाय द टाइम दे रीच्ड रोडू, घर पे कुछ और ही सिनेरियो चल रहा था, सब रिश्तेदार पहुंच चुके थे चारों तरफ से, एंड एवरीवन वाज गॉसिपिंग, मतलब वो आपस में ही ऐसे सब बात करती कि कौन है, क्या है, वहाँ कैसे रिश्ता हुआ। नॉर्मल है ना ये, तो हाँ, हर घर में होता होगा, हर घर में होता है कि वहाँ कैसे रिश्ता हुआ, क्या हुआ। एंड बहुत सारे लोग थे और रिलेटिव्स वगैरह, फिर बीच में ही किसी ने बोला, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का भी, बट वो चीज़ें क्योंकि हमारी हर वो स्टोरी को बनाती है, वो चीज़ें जो लोगों ने बोला ना उसने हमें और स्ट्रॉन्ग किया। हाँ, जो मतलब हम लोग ना किसी का, हम लोग किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ना हम किसी का डिस क्या बोलते हैं उसको,
डिसरिगार्ड नहीं कर रहे, बट ना कहीं हम दोनों जिस लेवल पे हैं ना, जो हमें जानते हैं भाई, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग जिस लेवल पे हैं ना यहाँ पे, हम दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, हम यूट्यूबिंग कर रहे हैं, हम हेडक्वार्टर्स चला रहे हैं, ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, मैं प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट हूँ, कहीं ना कहीं हम लोग एक बिजनेस रन कर रहे हैं, वी हैव अ टीम ऑफ 15 पीपल जो कि एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक बहुत ही अच्छा वर्क कल्चर है हमारे अंदर। और ना जो ये चीज़ें हुई, इन्होंने ही हमें पुश किया उस चीज़ को करने में, जो जिस पोजीशन पे हम हैं। बोलते हैं ना कि हर एक बिजनेस किसी ना किसी रीज़न की वजह से स्टार्ट होता है, वो चीज़ ये थी कि हम लोगों को स्टार्टिंग में बहुत हेट मिल रहा था, बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं क्या था वो रीज़न, किसको क्या दिमाग में था, किसके क्या नहीं था, बट मैं हाथ जोड़ के आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। अगर आप ना होते ना तो शायद हम दोनों ये वीडियो ना बना रहे होते, या हम लोग हेडक्वार्टर्स को रन ना कर रहे होते, या हम लोगों को शायद पुश ना मिलता कि हम लोग कुछ ऐसा करें जो कि शायद मेरे पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया, मेरे भी है ना, क्योंकि वो चीज़ ना कहीं हम लोगों को दिन रात स्ट्राइक कर रही थी, बैक ऑफ आर माइंड इट वॉज, जिसको बोलते हैं ना कि मूवीज में आपने देखा होगा, एको कर रही है। बहुत ही अलग स्टोरी है हेडक्वार्टर की, वो उस भी, पे हम भी कभी उस पे भी हम आएंगे, बट कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना हमेशा पूरी स्टोरी सुननी जरूरी है। आप वन साइडेड स्टोरी सुन के, चाहे वो आपका क्लोज फ्रेंड हो, चाहे वो आपके खुद के पेरेंट्स क्यों ना हो, दिस इज़ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, आप कभी भी किसी की वन साइडेड स्टोरी मत सुनो, क्योंकि प्री जजमेंट ना बहुत बेकार चीज़ होती है। हम लोगों ने अपने रिलेशन में भी प्री जजमेंट की वजह से ही सफ़र किया था, जो इनिशियल स्टेज पे हमने सफ़र किया, क्योंकि जब ये चीज़ें होने लगी ना, जब हमने पेरेंट्स को कन्विंस करना शुरू किया, वो टफ तो था बट वो इजी भी था, जितना हमने टफ सोचा था ना वैसा था नहीं, उतना टफ नहीं था वो, मतलब बहुत ही स्मूथली हो गया वो, मतलब हमारा क्योंकि विल थी दैट वी वांट टू डू दिस, सो वी मेड इट हैपन, हमने वो किया। बहुत सारे लोग रिलेशन को सच में ख़त्म कर देते हैं, मैंने देखा है अपनी फैमिली में कि लोग डर के मारे ही नहीं बोल पाते कि हमें शादी करनी है, कि कैसे करेंगे, कैसे मनाएंगे, बिकॉज पेरेंट्स इतने भी बुरे नहीं होते कि वो माने ही ना। हमारे पेरेंट्स जिस तरह से माने, आई वॉज इन अ शॉक कि क्या हो रहा है यार, मुझे ऐसा लग रहा था मूवी चल रही है कि मान रहे हैं, कैसे मान रहे, मतलब वो उतना टफ नहीं था जितना 100% अगर हमने सोचा था तो वो 60% था, इट वॉज बियरेबल। हाँ, मतलब सबसे मेन चीज़ तो यही है ना कि आप सच्चाई के उस पर चलो, सच बोलो जो भी है, मत बोलो, क्योंकि हमने अपने रिलेशन के बारे में कोई झूठ नहीं बोला, फैमिली इसके बारे में कोई फेक नहीं किया, कुछ नहीं किया, सही बोला। मुकुल कितना कमाता था वो उनको पता था कि हाँ इतना कमाता है, तो फिर क्या हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं थी कि वो मुझे भी पाले, मेरी भी थी, मैं कितना कमाती हूँ वो भी उनको पता था, तो उनको पता था दे विल डू समथिंग गुड टुगेदर, तो इसलिए वो कन्विंस हो गए। ये पेरेंट टू पेरेंट डिपेंड करता है यार कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं किस चीज़ को। मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत लीनियंट रहे हैं, मेरी फ्रेंड्स को पता होगा कि वो इतने लीनियंट थे स्कूल टाइम में, मुझे बाहर घूमना है, अगर मेरे 10 भी बज जाए ना, मैं घूम रही हूँ फ्रेंड्स के साथ, वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, कोई बात नहीं आ जाओ, हंस के वेलकम करते थे, ऐसे गुस्से से दरवाजे के पास खड़े नहीं होते थे। उन्होंने मुझे बहुत लिबर्टी दी है और मैंने कभी मिसयूज़ नहीं किया उनके दिए गए फ्रीडम का, मैंने या मेरी बहन ने या मेरे भाई ने, हमने बहुत अच्छे से उसको यूज़ किया। इनफैक्ट कि उनको कभी ये सुनने को नहीं आए किसी से कि आपके बच्चे ने ये कर दिया वो कर दिया, और ये वो टाइम था जब उनको एक्चुअली मेरी वजह से कुछ सुनने को मिल रहा था, एंड मेरे लिए वो चीज़ बहुत टफ थी। बस यही था जिसको मैं, मेरे लिए फ़ाइट करना बहुत मुश्किल था कि मेरे पापा को या मेरी मम्मी को कुछ सुनना पड़ेगा। एंड देन जब ये लोग रोडू पहुँचे तो एक दिन रह गया था, अगले दिन हमारी इंगेजमेंट थी, एंड हाँ बताते हैं ना, तो घर पे ही किसी ने, मतलब जो सारे रिलेटिव्स आने शुरू हो गए थे उनमें से किसी ने बोला कि लेट्स पोस्टपोन, कि इंगेजमेंट पोस्टपोन कर लेते हैं, अभी नहीं करते,
बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं जाके कि फैमिली कैसी है। एंड आई वॉज इन अ शॉक कि ये क्या सोच के बोला है इन्होंने कि जाके देख लेते हैं। मैंने तो बहुत पहले बोला था कि जाके देखो कैसी फैमिली है, क्या है, पूरा पता करो, फिर एंगेजमेंट करेंगे। ऐसे कैसे ये बोल सकते हैं जब उन लोगों को हमने इनवाइट कर दिया है रोडू, वो पहुंच गए अपने होटल में एंड पीछे से बोल रहे हैं कि पोस्टपोन कर लेते हैं, कुछ दिन बाद कर लेंगे, पहले लड़के को ठीक से देख लेते हैं कौन कैसी फैमिली से है। क्योंकि ये चीज़ें उड़ने लग गई थी कि बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, क्या है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वो चीज़ें होने लग गई थी। सबसे मेन प्रॉब्लम वही थी कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज यहाँ अपर शिमला में मोस्टली बैकग्राउंड ऐसे होते हैं कि सबके पास एक साइड बिजनेस होता है विच इज़ ऑर्चर्ड्स, और साइड बाई साइड वो जॉब्स भी कर रहे होते हैं, बट उनके पास लैंड बहुत सारी होती है यहाँ पे, तो दे फील सेफ कि ठीक है कुछ नहीं है तो ये तो है, लेकिन मुझे पता है सबके पास वो नहीं होता है। तो आई वॉज लाइक ठीक है कोई बात नहीं बोलने दो, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था कहीं ना कहीं। मैं थोड़ी सी आउटस्पोकन हूँ, मैं कुछ भी गलत सुनती नहीं हूँ, मैं जवाब देना जानती हूँ, मैं बोल लेती हूँ, बचपन से ऐसी रही हूँ, रिबेलियस हूँ मैं, बहुत ज़्यादा रिबेलियस हूँ। लेकिन उस टाइम पे मेरे को बड़ी मम्मा ने एक चीज़ बोली थी, जब किसी ने ये बोला मुझे गुस्सा आया, मैं जाके बात करती हूँ किसने बोला, तो शी सेड अगर तेरे को लगता है कि तेरे बोलने से कुछ सोल्यूशन निकलेगा तो जा बोल ले, बट इस टाइम तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे इस टाइम मुझे मुकुल से बस हमारी इंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, यही चाहिए। तो ये तभी मिलेगा अगर तू चुप रहेगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि चुप रहने से ही तुझे सब कुछ मिलेगा, इसलिए इस टाइम चुप हो जा, कुछ मत बोल किसी को, जो जो बोल रहा है बोलने दे, बोलने दे, तू बस इंगेजमेंट कर, उस पर फोकस कर कि तेरी इंगेजमेंट है, लोगों को बोलने दे जो भी बोलना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलने दे। मैंने वही किया, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं चुप रही, मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, मैंने चुपचाप से अपने आप को शांत किया और अपने कामों पे फोकस किया, मेहंदी लगाई, रेडी हुई, सब कुछ। एंड अगले दिन आई वॉज गेटिंग रेडी और पापा ऐसे बैठे थे, मतलब वो था हमारी एंगेजमेंट वाला दिन, पापा ऐसे बैठे थे कि सिर ऐसे नीचे करके और ऐसे ऐसे अपनी टांगे हिला रहे थे, वो ऐसे बैठते थे, वो थोड़े से टेंशन में वो ऐसे बैठे हुए थे और मम्मा भी थे साथ में। मैं रेडी हो रही थी उन्हीं के रूम में एंड मेरे को शीशे में उनकी शक्ल दिखी। मैंने बोला क्या हुआ, मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, मैंने बोला क्या हुआ, तो ही सेड मौसम अच्छा नहीं है, ऐसे नीचे देखे कि मौसम अच्छा नहीं है। पता नहीं पापा को तो वो ऑफकोर्स याद नहीं होगा, पर मेरे को एक लाइन याद है। तो उन्होंने कहा मौसम अच्छा नहीं है, मैंने बाहर देखा, मैंने कहा नहीं इतना अच्छा तो मौसम है, मोर ओवर हमने क्या करना मौसम से पापा, इंगेजमेंट तो अंदर होनी है, अंदर हॉल में होगी, बाहर थोड़े ना है। वो लोग इन लोगों ने घर आना था इंगेजमेंट के लिए, जो हमारा ड्राइंग रूम है वहाँ पे ही इंगेजमेंट होनी थी, जो हमारे लिविंग रूम है वहाँ पे। तो मैंने कहा मौसम से हमने क्या करना है, बट ही वो सकास्टिक, उनका मतलब था कि घर का मौसम अच्छा नहीं है, पीपल आर नॉट टॉकिंग गुड, सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं कि सोच लो एक बार, मत वो करो। तो मैंने कहा पापा मौसम अच्छा, पापा कहते कि घर का मौसम अच्छा नहीं है। मेरे ना मतलब ज़मीन हिल गई थी, मुझे ऐसा लगा कि पापा अब ये बोलने वाले हैं कि अभी के लिए रहने देते हैं, मैं बात कर लूँगा, पोस्टपोन कर लेते हैं। मेरे हाथ कांपने लग गए थे, बट आई कंटिन्यूड बहुत ब्रेवली, फिर भी अपनी क्रीम लगाई जा रही हूँ मुँह पे और पापा से बात कर रही हूँ शीशे में देख के, दोनों आँखें नहीं मिला रहे एक दूसरे से, बस बात कर रहे। तो मैंने कहा क्या हुआ पापा, कि सब ऐसे बात कर रहे हैं कि पहले देख लो लड़का क्या है। मैंने बोला पापा पर मैंने तो, आप तो गए थे ना मुकुल के घर, आपने देखा, आपको अच्छा नहीं लगा मुकुल, उसमें आपको कुछ लगा कि ऐसा है कि नहीं इससे होनी चाहिए? नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। और मैंने कहा तो उसकी मम्मा, उसकी घर सब कुछ देख कर आए हैं आप? तो वो कहते नहीं मुझे सब अच्छा लगा। तो मैं, फिर क्या प्रॉब्लम है कि बाकी सब लोग कन्विंस नहीं है? तो ऐसे कौन सब लोग? तो कहते कि वो पर्टिकुलरली ऑब्वियसली किसी का नाम नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने बस इन हिंट दे दिया, हाँ कि कुछ लोग दे आर नॉट हैप्पी विद इट। मैंने उनको बोला कि आपको ठीक लगा? तो वो कहते हाँ। तो मैंने कहा मैं आपको, मेरे को पता था उनके मन में थोड़ा सा ऐसा होगा कि मेरे को ऐसा ना हो कि मेरा डिसीजन गलत हो कल को, कि मैंने अपनी बेटी के कहने पे मान तो गया मैं इसके लिए, लेकिन अगर बाद में ये रिश्ता सही नहीं निकला और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर क्या होगा? फिर
ऑब्वियसली सारे पेरेंट्स ऐसे वर्ड होते हैं, बट तो मैंने उनको पहली बार मैंने पापा से ऐसी कॉन्वर्सेशन की लाइफ में, मतलब कभी, बिकॉज पापा यहाँ रोडू में ही रहते थे और मैं, मम्मा, मेरी बहन, मेरा भाई, हम शिमला में रहते थे बिकॉज दादू दादी यहाँ होते थे ऑर्चर्ड्स वगैरह भी देखने, और पापा जॉब भी यहीं करते थे, वो प्रिंसिपल रिटायर्ड है, तो वो यहीं रहते थे, तो हमारे बीच ना एक गैप तो था कॉन्वर्सेशन में बिकॉज वो सिर्फ वीकेंड्स पर शिमला आते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते तो वो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा था, मतलब जबान नहीं खुलती थी पापा के सामने ऐसे मजाक करने में, तो पापा तुम्हें पता ही है कितने जॉली नेचर के, बट ऐसी बातें करना बड़ा ही टफ है अपने पेरेंट्स से। तो मैंने उनको बोला कि पापा आप टेंशन मत लो, मैं ना आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने दूंगी कि आपका डिसीजन गलत है, आप मुझ पर भरोसा रखो। मेरी एग्जैक्ट लाइन्स ऐसी यही थी कि आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं कभी भी ऐसे वापस घर नहीं आऊँगी कि पापा आई एम नॉट हैप्पी, आप मुझे हमेशा खुश देखोगे, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि गलत डिसीजन लिया मैंने, मुझे नहीं करानी चाहिए थी, इनफैक्ट आप हमेशा प्राउड फील करोगे। और मैंने ये ना, मतलब रोई भी नहीं मैं ये बोलते हुए, मेरे गले में अटका हुआ था, अभी भी अटक रहा है ऐसे करके, बट मेरी एग्जैक्ट लाइन्स ये थी कि आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे मेरा रिश्ता मुकुल से करवाना, आप टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड इसके साथ ही पापा वॉज ठीक है, उन्होंने इतनी ये सुन लिया था तो फिर उनके लिए आई थिंक काफ़ी था। एंड हमारी इंगेजमेंट हुई, ये लोग आए, सबने बहुत कुछ बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एंड इट हैपेंड, वी फाइनली गॉट एंगेज्ड। यस, सुनने को बहुत कुछ मिल रहा था, मेरे को तो ये स्टोरी का पता ही नहीं है, ये तो मुझे इसने बाद में बताया, मेरे को कभी नहीं बताया था इसने कि ये सब हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था हमारी तरफ से। मैंने मुकुल को कभी नहीं बताया कि हाँ घर पे कोई ये बोल रहा है वो बोल रहा है ये चीज़ें, इसने मुझे इसको भी वैसा फील नहीं करवाना था कि ये कैसे आएगा, वो मैं चाहती थी ये मेरे रिश्तों को अपने नज़र से देखे, हाँ। कि मेरे रिलेटिव्स कैसे हैं ये खुद देखे, ज़रूरी थोड़े ना है कि जो लोग कुछ बोल रहे हैं मैं इसको पहले ही उनके अगेंस्ट कर लूँ कि इसके साथ ही बात करनी, ही वॉज द वन जिसने वो बात की थी। मैंने मुकुल को ये चीज़ें कभी नहीं बताई, कभी नहीं बताई, आई लेफ्ट इट ऑन हिम कि तुम खुद एक्सप्लोर करो चीज़ें, वो पता चल जाता है क्योंकि हमने भी अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया, रिश्तेदारी भी देख ली, यारी दोस्ती भी देख ली, है ना, आस पड़ोस के लोग भी देख लिए, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जितने भी हम लोगों की लाइफ में लोग आए उन्होंने कुछ ना कुछ तो सिखाया, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो हमारे पार्टनर्स हों, बट ये है कि बहुत कुछ सीखा भी मैंने, और एक्सपीरियंस मतलब दिन डे बाय डे ना एक्सपीरियंस बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। शायद इसी को बोलते हैं तजुर्बा, जो सीनियर लोग होते हैं ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ करना है या कुछ डिसीजन लेना है तो किसी सीनियर से पूछ लो, क्योंकि वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे बेस्ड ऑन देयर लाइफ, है ना, कि क्या सीखा क्या नहीं। बट ये है कि बहुत ही हेल्दी नोट पे हम लोगों की एंगेजमेंट हुई, अच्छा सारा का सारा अरेंजमेंट था, और रिंग्स एक्सचेंज हुई, फ़ोटोज़ एक दूसरे के साथ क्लिक हुई, और हम लोग खुशी खुशी वापस। बट पूरी एंगेजमेंट में मैं ब्लैंक थी, मतलब मुझे, तुम नहीं थे ब्लैंक, मतलब ऐसा नहीं होता ये क्या हो रहा है, मेरा तो ऐसा था कि एक सपना था जो शायद सच हो रहा था, खुशी जो थी ना, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं कभी खुश इतना हुआ था लाइफ में, मतलब जो मेरे It सबसे was like a dream, सच्ची में, मतलब ऐसा फील हो रहा था ये हो रहा है, ये पूरा हो जाएगा या रह जाएगा बीच में, मतलब वैसे वाली, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी ना, क्योंकि हम लोगों ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला फेज भी देखा, हम लोगों ने लड़ाई झगड़े वाला फेस भी देखा। Actually, we grew up together because hardly 16 years की थी मैं, और मैं मुकुल के साथ साथ ही बड़ी हुई हूँ। मैं 19-20 का था। हाँ, और हम एक साथ ही बड़े हुए हैं, तो अब ऐसा लग रहा था कि हम शादी करने वाले हैं, मान गए हमारे पेरेंट्स, जिसके लिए हमने इतना डरे हुए थे उसके लिए सब मान गए, मतलब इतना आसानी से हो गया, वो शायद ऊपर वाले की कोई कृपा थी या कोई सुप्रीम पावर थी हमारे साथ जो हमें ब्लेसिंग्स दे रही थी ऊपर से, जो भी था अब फाइनली तो हम लोग एंगेज्ड हो गए। बहुत सारे लोग थे जो हमारे फेवर में थे, एंड थैंक्स टू देम, वो बार बार प्रिक करते रहते थे कि नहीं ऐसे नहीं है, जब कोई नेगेटिव बोलता था वो इधर से पॉजिटिव अपना डालते थे और चीज़ों को बैलेंस करते वो थे। हाँ, बैलेंस रहा। कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे हमारे जो हमें बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशन देते थे, तो मतलब
सबसे सही चीज़ ये थी ना कि सोचना और बोलना बहुत डिफरेंस है. बहुत सब बहुत कुछ हम भी सोचते हैं मगर हम लोग कुछ बोलते नहीं है ना. बट कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं वो बोल देते हैं. हाँ, मतलब रिगार्डलेस कि सामने वाले को, सामने वाले पे क्या इफेक्ट होगा, वो इस चीज से उसको कैसा लगेगा सुन के. हाँ. अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, उसकी लाइफ किस तरफ, एक छोटी सी चीज से आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है. बदल सकती तो आई थिंक हमेशा पॉजिटिव ही बोलना चाहिए. जब तक आप जानते नहीं हो सामने वाले को, आप उसके अगेंस्ट क्यों बोल नहीं बोल सकते. मतलब इतने लोगों ने इतना सब कुछ बोला, वो मैं एग्जैक्टली कोट नहीं कर सकती चीज़ें, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कोट की है. पर ये है कि जो उन्होंने बोला ना वो हम लोग भूलेंगे नहीं, कभी भूलते नहीं है. हाँ. वो हमारे दिमाग में हमेशा रहती है क्योंकि हम जब भी अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे भी काम करते हैं ना या मेहनत करते हैं तो हमें ना वो कहीं ना कहीं चीज़ पुश करती रहती है कि यार उस इंसान ने हमें ये चीज़ बोली थी. अब हमें नहीं पता उन्होंने अच्छे नोट पे बोली थी, बुरे नोट पे बोली थी या बोली क्या थी? दिमाग में चल रहा था, मगर वो ना एक छाप की तरह छप गई है हमारे दिमाग पे और दिल पे. और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया इस पूरे इसमें. हाँ. बड़ी मम्मा ने, मैं हैरान थी कि मम्मी जो कि बहुत ही इतना, मतलब वो स्टैंड नहीं ले पाते चीज़ों के लिए, बट वो इतने स्ट्रांगली स्टैंड लिया ना उन्होंने कि कोई बात नहीं, कि अगर तेरे को लगता है कि यू कैन हैंडल दिस तो फिर ठीक है, फिर कर लेंगे, मैं देख लूँगी. वो हमेशा पीछे से खड़े थे कि आई डू इट. मम्मी और बड़ी मम्मी नहीं स्टैंड लेते ना तो कभी नहीं हो पाता. बहुत से कलेक्टिव एफर्ट्स थे, चाहे वो नेगेटिव वाले हों चाहे वो पॉजिटिव वाले हों, मगर वो कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से. नेगेटिव्स का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे. हाँ, नहीं लेना चाहेंगे. पॉजिटिव्स का हाँ, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि वी डोंट वांट टू स्पॉइल दैट, है ना, जो भी है. बिकॉज़ नाउ वो लोग जो कन्विंस नहीं थे, दे गुड, है ना. और हम भी यही चाहते हैं ना कि अब एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया समहाउ, बट अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है हमारी, अभी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ. और इसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, है ना. हाँ. क्योंकि ये बहुत लंबा खिंच जाएगा. एपिसोड 4 की आप वेट करोगे तो कमेंट में करना प्लीज़, कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं. जो एपिसोड 4 है इट इज़ बेसिकली हमारी एंगेजमेंट के बाद जो हमारी शादी की डेट निकली, इट वॉज अ फुल 1 ईयर. एक एंड दैट वॉज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. बहुत चीज़ें ऐसी हुई. हाँ. कि हमें हमारी शादी तक पहुँचना भी टफ लग रहा था, कि ये ना हमें थोड़ा जल्दी डेट निकालनी चाहिए थी, थोड़ा ज्यादा दूर हो गई, ज्यादा लंबा, हमने गलत कर दिया ये, और कुछ भी हो सकता है इस पर बीच नहीं में. वो हमारी सोच थी, बट जो भी हुआ मतलब दैट मोमेंट वाज एसीज ऑन प्लेसेस, एवरीथिंग वाज प्लान्ड, प्री-प्लान्ड. हमेशा वही बोल रहा हूं ना, डेस्टिनी, सम सुप्रीम पावर की वो चीजें ना अच्छे से प्लेस हो रही थी. बस वो हो रहा था, हम शांति से देख रहे थे कि वो हो रहा है, है ना. बहुत ही अब हमारी वो एंगेजमेंट से लेके शादी वाली जो डेट है ना, दैट इज फुल ऑफ आर स्ट्रगल, है ना. दैट प्रोफेशनल आल्सो. हाँ, हमारा प्रोफेशनल करियर भी वहीं से स्टार्ट हुआ, जो कि एक टीम लीडर और एक बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन से रिलेटेड है. तो आप लोगों को आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है जी, तो हमें खूब सारा प्यार दें, आशीर्वाद ज़रूर दें, ताकि हम भी और आगे तक बढ़ें. और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें. ये हमारी लव स्टोरी वाला जो सीरीज़ है, ये ऐसे ही चलता रहेगा. वी विल ट्राई आर लेवल बेस्ट के एवरी ट्यूसडे हम लोग शूट करें, क्योंकि ट्यूसडे को हम लोगों का ऑफ रहता है. बट डेली व्लॉग्स हम लोग कोशिश करते हैं कि हर रोज़ ही आए. बस मैं मार खा जाता हूँ, क्योंकि कई जगह हम लोग ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं जहाँ पे नेटवर्क इश्यूज होते हैं. इंटरनेट फैसिलिटीज़ बहुत, कभी कभार कुछ इंटरनेट फैसिलिटीज़ बहुत डाउन चलती हैं, इसीलिए हम लोग उसको अपलोड नहीं कर पाते. बट शूट हम डेली करते हैं जी. व्लॉग को यहीं पे एंड. लोकेशन बता देता हूँ, हम लोग बैठे हैं जी पब्बर नदी के बैंक्स पे. ये मेरी फेवरेट जगह है, अल्टीमेट जगह है ये बिल्कुल. मतलब आप ऐसे बाहर खड़े होंगे, किचन के दरवाजे खिड़की भी खोलोगे तो यही दिखता है. एंड आई थिंक अभी घर से अगर पापा उधर घूम रहे होंगे तो हमें देख भी रहे होंगे, उनको पता है हम शूट करने. मिलते हैं आपको कल जी, कल नहीं सॉरी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो लव यू लिख देना, बस मेरे को समझ आ जाऊँगा आपने पूरी व्लॉग देखा है. चलें जी, थैंक यू, चलो.